तो यही है एनिमल लुवाक। और द एनिमल एट द कॉफी बीन लाइक द कॉफी बेरी द रेड वन कीप फर्मेंटेशन लॉन्ग टाइम इन स्टोमक अंटिल 10 आवर्स। वही मैं कॉफी ले रहा हूँ और इस कॉफी का एक कप का प्राइस है 50,000। तो आज है डेट 15 जून 2019। सो इट्स टाइम टू से बाय बाय टू मार्कस बिकॉज ही इज गोइंग बैक टू बैंकॉक फर्स्ट देन जर्मनी। और तेज तेज हवा के बीच हमारी चाय गंदी सी बन गई है। और मार्कस शो योर टी, इज हैप्पी गाय। ये हॉस्टल अगर आप बाली के कूटा रीजन में रुक रहे हैं तो इससे बढ़िया हॉस्टल तो मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा। इसका रेट मुझे लगभग पड़ा था 439 रुपीज़ पर नाइट के लिए, जो कि बहुत ही चीप है। और रूम्स इतने अच्छे हैं, सारा एक कार्ड से सब सेंट्रलाइज है, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। GoPro, turn off. No, first we have to say stop recording. तो मेरे पीछे है ये जो हमारी स्कूटी और इसका टूट गया, क्या फर्क पड़ता है, आज लौटा देंगे इसको। एंड ये है हमारा हॉस्टल, बहुत ही ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगा इस हॉस्टल को क्योंकि बहुत अच्छा हॉस्टल है, बाली कैप्स। बाय बाय। या Bye. Bye. Say goodbye to your friend. Yeah, bye bye. तो मार्कस भाई चले गए हैं अपने एयरपोर्ट की तरफ और मैं जा रहा हूँ ये लिफ्ट से ऊपर अपने रूम में। तो मैं अंदर आ गया हूँ, हो सकता है लाइट की कमी की वजह से कुछ दिखाई ज्यादा ना दे। एक कार्ड यूज होता है यहाँ पर समझा घुसने के लिए। तो बस अब यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग और चेकआउट कर रहे हैं और अब हम लोग जाएंगे खुद वोट। सो इट वॉज नाइस टू मीट यू। बाय। पहले यहाँ पर है हमारे पीछे डोमिनोज, तो मैं वहाँ खा लेता हूँ कुछ, उसके बाद जाऊँगा स्कूटी वापस कर। दो मीडियम पिज्जा ऑर्डर किया था, लगभग 250 रुपये का एक पड़ रहा था। मेरा है टूना फिश और दुर्गेश का एक वेज है पिज्जा, पता नहीं कौन सा है। चूंकि इस समय बहुत तूफान चल रहा है समुद्र में तो गिली की आइलैंड के लिए जो पासपोर्ट थी वो जा नहीं पा रही, तो हम लोग प्लान पूरा कैंसिल हो गया। तो हमारी गाड़ी आ गई है यहाँ पर ये, और यही गाड़ी ले जाएगी हमको उबुद के लिए। उबुद जाने के लिए हमने गोजेक लिया, लेकिन अगर आपके पास खुद की स्कूटी है तो आप उससे भी जा सकते हैं। रास्ते भर ट्रैफिक जैम मिला, यहाँ ट्रैफिक की बड़ी समस्या है बाली में, तो इसीलिए कुछ लोग अब लॉम्बोक को, जो इसके पास में एक आइलैंड है बाली के, उसको आजकल लोग प्रेफर करने लग गए हैं, लोग वहाँ पर जाते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं अपने हॉस्टल में और हम लोग हैं अभी उबुद में। तो अब हमें हॉस्टल में बेड मिल चुका है और ये कुछ ऐसा हॉस्टल है, तो ज़्यादा उम्मीद तो नहीं कर सकते 250 रुपये के हिसाब से, लेकिन 200-250 के हिसाब से, लेकिन फिर भी अच्छा है। ये मेरा हॉस्टल में मेरा बेड ये है। Yes.
और ये एरिया वाकई में काफ़ी अच्छा है, भीड़ भाड़ तो है लेकिन एरिया वाकई में बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा एरिया है। एक लीटर लगभग इंडियन करेंसी के हिसाब से 50 रुपये पड़ेगा। या दिस बाइक okay, we're not stop this or somebody there. Let's stop here. Oh, okay. So, what is your name? Made. Made. Madi. Yeah. Okay. So, what is the name of this? Ubud Masari. Ubud Masari. Yeah. Okay. You like drink coffee? Yeah, I like coffee. Sure, we have special coffee. Yeah, I heard many thing about it. Yeah. Luwak coffee. Animal. What is this? Yeah, the luwak. Luwak. Very good. Okay. So, yahi hai animal luwak. Yes. All that, 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 that. Oh, that is a coffee bean. Yeah. It's on coffee bean. Oh, that's a coffee bean. Okay. So, bhai, wo piche coffee tree hai. Yeah. Coffee plant. This ginseng. You know ginseng. Ginseng. Yes. Ginseng. Ginseng, okay. Oh, this one is ginseng. So what is the use of ginseng? For making coffee, special for men, good for the energy, stamina and power. Oh, stamina and energy ke liye ginseng. Achha hai. This one is? Ginger. Ginger? Yeah. Oh, ginger. You know ginger? Yeah, we know ginger. Yeah, for making tea. Toh bhai log yahi hai ginger ka ped. What? What did you say? Red ginger. Red ginger. Can you show me red ginger? Two ginger we have. Oh. Normally and special red. Red ginger is good for asthma. Okay. And these are fishes. Capis. Oh. This one is traditional process. No machine. Roasting by hand. Oh, this is made by hand? Yes. Okay. Like this one. Mm-hmm. Oh. Nice. 1 hour, sir. Oh, you have to do this for 1 hour? Yes. Oh. And then change color coming. Smell. Oh. Very good, pure organic coffee. Okay. After this one, put this and I grind it. Mm. This milk powder. Like that. So, ये कॉफी एकदम बन के तैयार हो गई। Yeah, good. Oh, you're baking this the coffee? Yes. Okay. Okay, the last process. Mm-hmm. Sitting in. Oh, okay. So we have turmeric. Turmeric. Yeah. Yeah. For making tea. Oh. Sorry. Oh, sorry. I'm sorry. Oh, no problem. And this one ginger. Oh, okay, ginger. This is red ginger. Uh-huh. This one rosella. Okay. And then lemon grass. What is this? Lemon grass. Lemon grass. Okay. It's very good. Yeah. Okay, please go to the table now. You can try now. तो इसकी महक बहुत अच्छी है, इसको थोड़ा सा रब करके अगर इसको सूंघे तो बहुत अच्छा है। नज़ारा तो काफ़ी अच्छा है इधर, और यहाँ पर बैठ के मैं कॉफ़ी पी लेता हूँ। ओके, गुड स्पेशल नाइस कॉफी। सो इट्स मेड अप ऑफ लुवाक कूप। या या, सो कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू मेड दिस मेक दिस? ओके, दिस इज द लुवाक कॉफी, स्पेशल कॉफी इन बाली दैट इज वेरी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। The story of luwak coffee is the animal ate the coffee bean, like the coffee berry, the red one.
keep fermentation long time in stomach until 10 hours. Oh. So you after, pick them up, yeah. Yeah. After 10 hours, only for skin in the kidney stomach, and then press coffee bean come out, sit like okay. We collect in, we go process, we clean first with the cold water, we dry around after sun 1 week. After dry, clean again, hot water, sterile, and then da-da-da-da-da, until periogenesis. Okay. Because the luwak coffee is very painless. Yeah, so, yeah, 1 cup luwak coffee. Yes. Okay. बात या ओके नो प्रॉब्लम. तो जैसा कि देखा ये लुवाक कॉफ़ी जो होता है, ये जो लुवाक एनिमल है, पहले वो जो खाता है, उसके बाद तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो वहाँ से निकालता है जब वो, तो ये लोग फिर उसको पिक करते हैं, सारा चीज़ इकट्ठा करके उसको जो भी प्रोसेसेस है उससे ले जाते हैं, प्रोसेस जो भी करना होता है, एंड उसके बाद ये बन जाती है कॉफ़ी. और वही मैं कॉफ़ी ले रहा हूँ, और इस कॉफ़ी का एक कप का प्राइस है 50,000, यानी कि अपने करेंसी में देखें तो 250 रुपये. तो ट्राई करता हूँ ये. और इस शॉप का नाम है उबुद मी सैरी. ये यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं, जो कि यहाँ लिखा है कि स्विंग है वहाँ फ़ोटो खिंचाने का, यहाँ स्विंग है जो कि बाली में बहुत फेमस है. आगे शायद उधर राइस फील्ड्स है पूरा. तो मैं अभी एक लुवा के साथ सोच रहा हूँ सेल्फी ले लूँ, उसके बाद फिर कॉफ़ी पीऊँगा, और कॉफ़ी आने तक बाय बाय. तो एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ कि लुवाक होता क्या है. लुवाक है ये एनिमल. थोड़ा अजीब लग रहा है इसको केज में बंद करके रखा है. और लुवाक मुसैंग एशियन पाम सिबेट पैराडॉक्सिमस हर्मा फ्रोडाइटस. तो यही है लुवाक. These are for free? Free testing, yes. Okay. This is number one, yeah, mangosteen. This one is? Mangosteen. This number two, lemongrass. What moment, yeah? This. Okay, lemongrass. This number three, ginger. Ginger. This one is turmeric. Okay. This one rosella. Mm-hmm. And then this red ginger. Red ginger, okay. This for you, special man, ginseng. Okay. This Bali coffee. Bali coffee. This one cocoa spices. Okay. This is vanilla. Vanilla? Yes. Uh-huh. Vanilla tea? Yeah. No, vanilla coffee. Oh, vanilla coffee. Chocolate. Vanilla cacao. Coffee. Chocolate? Yes. Coffee. And last then one? Coconut. Coconut. Please. तो भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 तरह कॉफ़ी और एक मेरी लुवाक कॉफ़ी, सब आके यहाँ तैयार है. इसका एक फ़ोटो भी लूँगा मैं. तो अच्छा है काफ़ी. तो इन्होंने एक कागज़ दे दिया, उसमें लिखना है कि भैया कौन सी पसंद आई आपको, आप वो बाद में परचेज़ कर सकते हो. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ मैंगोस्टीन टी. दिस वन इज़ मैंगोस्टीन टी. और लास्ट वाली है कोकोनट कॉफ़ी. तो सारा चाय कॉफ़ी तो सब हो गया, अब लास्ट में बचता है यहाँ की स्पेशल लुवाक कॉफ़ी. ये डायबिटीज़ के लिए अच्छा है. No cholesterol also? Mm-hmm. Good for cholesterol. तो यहाँ पर एक फ़ोटो खिंचाने का बहुत अच्छा स्पॉट है ये पीछे मेरे, यहाँ पर बैठ के खिंचवा सकते हैं. और इसके अलावा जो कि मैं बता रहा था कि बाली में राइस फील्ड्स के ऊपर एक स्विंग होता है, ये स्विंग है, ये पूरा सेफ होता है, ऊपर से अटैच है, ऊपर पेड़ पे, पेड़ से कहाँ गया, यहाँ से ये पूरा अटैच है, और यहाँ से आप स्विंग कर सकते हो, नज़ारा बहुत अच्छा रहेगा. बट हाँ, इसका चार्ज ले रहे हैं कितना, 150,000.
नियर अबाउट जो हुआ 750 रुपये, तो ऐसे ही एक्साइटिंग रहेगा लेकिन मैं इतना देने नहीं वाला। और अब हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पर इनकी कॉफ़ी शॉप है यहाँ पर, तो चलता हूँ देखता हूँ। पहले ही तो ये पेमेंट करना है जो मैंने लुआक कॉफ़ी टेस्ट किया। लुआक जो एनिमल है उसको पहले लोग कॉफ़ी बीन्स खिलाते हैं ये लोग, और उसके बाद ये लोग कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, फ़िल्टर करते हैं, एंड फिर हम सब जैसे टूरिस्ट को, ट्रेवलर्स को कॉफ़ी पेश करते हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ उनकी शॉप में। ठीक है, ट्राई तो करना है ये सब कुछ। और ये तो मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधे घंटे का है, पूरा आधा ही घंटा लेकर आइए, एकदम पास में है, तो एक्सपीरियंस तो अच्छा था फिलहाल। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तो अभी हम लोग आ गए गोवा गजा टेंपल में, और इसको एलिफेंट केव्स भी बोलते हैं, और ये यूनेस्को का एक हेरिटेज साइट भी है। साथ ही साथ इसमें घुसने के लिए भी सरोंग चाहिए, वो जैसे कि उलुवाटू टेंपल में चाहिए था, और मेरी शर्ट अजीब सा शेप ले ली क्योंकि इसमें गोप्रो घुसा के रखा था शर्ट के अंदर। शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। ये साला कुत्ता मेरे ऊपर गुस्सा रहा था, साला हट, मारूं पकड़ के इसको। त्रिमाकासी, रास्ता तो बड़ा खूबसूरत है, ये आपको दिखाता हूँ। इंडिया, नमस्ते। सॉरी, मैं नो गुड इंग्लिश है तो। नो, इट्स ओके। सो दिस मच, राइट? या, ओके। थैंक यू वेरी मच। ओ वेलकम। या, त्रिमाकासी। इज थैंक यू देन, व्हाट इज वेलकम? सुक्ष्मा। ओ, इट्स वेलकम। बारी ने सुक्ष्मा। सुक्ष्मा, ओके। फोटो खिंचाने के लिए ये पॉइंट बड़ा अच्छा है। इस केव के अंदर भी हम लोग जा सकते हैं, तो अभी मैं जा रहा हूँ इस केव के अंदर। तो गोवा गजा टेंपल गणेश जी का है और शंकर जी का है, और इसीलिए शायद इसको एलिफेंट केव्स बोलते हैं। तो गोवा गजा जो टेंपल था उसको हम लोग ने देख लिया है। अभी मैं आ गया हूँ फिर से नासी खाने, वही नासी खाने। दुर्गेश है अपने इंडियन रेस्टोरेंट में और मैं यहाँ पर हूँ नासी खाने, तो मेरे पीछे सब कुछ लगा हुआ है, तो बस यहाँ पर मैं चिकन खाऊंगा क्योंकि यहाँ बीफ बहुत ज़्यादा कॉमन है। यार मेरे को ये बहुत पसंद है, मतलब कुछ यूनिक लगता है, तो मैं सोचता हूँ यार एक हफ्ता हूँ तो पूरा जम के खाऊँ। यस, दिस चिकन। तो खाना हो गया रेडी और मैं जा रहा हूँ उसको ठूसने। तो अपना नासी खाने के बाद मैं आ गया हूँ वही पुराने इंडियन रेस्टोरेंट में जहाँ पर दुर्गेश खा रहा था, और उसको मैं अभी यहाँ पिकअप करना है। उसका खाना कुछ ख़त्म हो ही गया है, तो दुर्गेश अच्छा था, ओवरऑल अच्छा था। मैं रेकमेंड करूँगा सभी लोगों को जो साउथ इंडियन को। कैन यू से हियर? हाय, दप्रू मालाबार। 150 रुपये में अगर आपको दाल मिल जाए, 40 रुपये में चावल मिल जाए फॉरन में, तो और क्या चाहिए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो ये भाई जो है ये केरला से ही है, और इसलिए कुछ साउथ इंडियन जैसा एक टेस्ट था खाने में, और इसका नाम मैं यहाँ दिखा देता हूँ। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं। तो इतना कुछ खाने के बाद तो मीठा तो जरूरी ही है, तो हम लोग आ गए एक आइसक्रीम की शॉप में। तो एक स्कूप इसका 175 रुपीज़ का है, इंडियन रुपीज़। वो रहा ड्यूरियन जो कि मलेशिया में मैं जिसके आइसक्रीम खाया था, ड्यूरियन। वन फेरोरो रोशर आइसक्रीम मैंने ले लिया है, और ये लगभग पड़ा मुझे 35,000, यानी कि 175 रुपीज़ का।